टोटल 3 लोगों की टीम के साथ इस वक्त मेरे 2 ई-कॉमर्स बिजनेस चल रहे हैं और एक मेरी इस वक्त एक सर्विसेज की एजेंसी चल रही है। टोटल 3 लोगों की टीम के साथ ये हो ऐसे रहा है कि जहाँ पे मैंने एक जगह पे सिर्फ 3 लोग हायर किए हैं फुल टाइम बेसिस पे, वहाँ मैंने 150 रोबोट्स हायर किए हैं। 150 रोबोट्स जो कभी थकते नहीं हैं, कभी सोते नहीं हैं, उनको खाना नहीं खाना, उनको पानी नहीं पीना। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार रोबोट्स किस तरह के रोबोट्स। यार रोबोट्स देखो, जिस तरह के फिल्मों में हमें दिखाते हैं ना, टर्मिनेटर में, रोबोकॉप में, एमसीयू के अंदर, वो वाले रोबोट जरूरी नहीं है उसी तरह के दिखें जो इनका हाथ ऐसे चल रहा हो। रोबोट्स और भी तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं वो, दिखते कैसे हैं? नो कोड ऑटोमेशन। नो कोड ऑटोमेशन उस बीस्ट का नाम है जिसमें आप without any hardcore coding या without knowing how to code या without having the skills to code in a particular language, आप अपनी tech को, अपनी चीज़ों को, अपने operations को automate कर सकते हो without using coding। आप इसमें literally किसी भी एक number of tools, a never ending number of tools को आपस में connect कर सकते हो to achieve any goal whatsoever। For example, आप बोलते हो, मतलब बहुत पागलों वाली ऑटोमेशन होगी ये, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि लेट से आप बोलते हो कि यार मैंने माइक्रोवेव में खाना गर्म करने रखा और जैसे ही मेरा खाना गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली मुझे एक ईमेल चली जाए कि यार नवीद भाई आपका खाना गर्म हो गया है। जो मैंने टास्क डाला हुआ था अपने टू डू लिस्ट पे या आसाना पे या किसी चीज़ पे, वो टास्क ऑटोमेटिकली चेक ऑफ हो जाए कि नवीद भाई आपका खाना गर्म हो गया है, टास्क हो गया है। और मेरी फेसबुक पे एक स्टेटस अपडेट चली जाए कि यार आज मैंने खाना गर्म किया। मतलब कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, पूरी ये चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप कर सकते हैं। अब ये सारी कहानी होती कैसे है? सो नो कोड ऑटोमेशन करने के लिए 2 तरीके के टूल्स आपको चाहिए होते हैं। एक टूल होता है जिसमें आप ऑटोमेशन डेवलप करते हो, फॉर एग्जांपल इंटेग्रोमैट, ज़ैपियर, पावर ऑटोमेट और भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। एंड सेकेंड टूल्स की काइंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं जिनके बीच में आप ऑटोमेशन डेवलप करते हो। और अब ये चीज़ भी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो अपना जो काम करते हैं वो सही टूल्स पे नहीं करते। तो बिफोर आप टूल्स को ऑटोमेट करो आपस में, आपको पहले ये देखना होता है कि आप जिन टूल्स को ऑटोमेट कर रहे हो क्या वो आपने सही चूज करे हुए। एंड इट्स लिटरली अ मैटर ऑफ पिकिंग अ मॉड्यूल और पिकिंग अ एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टूल एंड देन पुटिंग अनदर एक्शन ऑफ अनदर टूल ऑन टॉप ऑफ इट एंड डिस्क्राइबिंग वॉट वुड हैपन बिटवीन दोज टू टूल्स व्हेन समथिंग हैपन्स ऑन द फर्स्ट वन। आपने लिटरली एक मॉड्यूल उठाया, आपने उसको दूसरे से कनेक्ट किया, फिर आपने उसमें कोई और एक्शन सोचा कि यार ये हो तो फिर ये भी हो जाए, तो फिर आपने वो उस पर कनेक्ट कर दिया। एंड देन आपके जहन में 10 और आइडियाज आएंगे, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो। इसको आप कनेक्ट करते गए, एक के ऊपर एक ऐड करते गए, ऑटोमेशन को फर्दर कॉम्प्लेक्स और डेवलप करते गए, करते 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 टूल ऐड किया, मॉड्यूल ऐड किया, सारे मॉड्यूल्स ऐड करके आप देखेंगे कि आपकी ऑटोमेशन एक इतनी नेक्स्ट लेवल बीस्ट बन चुकी है जो इस वक्त कुछ भी कर सकती है एसेंशियली। और ये आपने हायर कर लिया अपनी ज़िंदगी में एक पहला रोबोट जो वंस अगेन छुट्टियाँ ही लेता, सोता नहीं है, खाना नहीं खाता और तंग भी नहीं करता, सीन ऑन है उसका। तो ये है द वर्ल्ड ऑफ नो कोड ऑटोमेशन। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी इसकी समझने की एक दरवाजे के अंदर आके मैंने आपको इससे फायर करवाया है इन भाई साहब से। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं इसके अंदर एंड आई वुड लाइक टू शो दोस टू यू एज वी गो ऑन, एज वी मूव फॉरवर्ड इन द अपकमिंग वीडियोस एंड यू विल फाइंड आउट इन मोर, इन मच मोर डिटेल कि इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या क्या इसके यूज़ केसेस कॉमन हैं और यूज़ केसेस के बारे में सोचते कैसे, उनको डेवलप कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता गो थ्रू करेंगे एंड हम सीखेंगे एंड हम इंशाल्लाह फिर देखेंगे रोबोट्स बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका इस चीज़ के बारे में वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इधर कहीं उसका सब्सक्राइब बटन आता है, मैं भूल चुका हूँ बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अब यूट्यूब का कुछ भी याद नहीं है, लिटरली कुछ याद नहीं है। तो खैर आपको ढूंढ लेंगे और बेल आइकन भी दबा दें अगर दबाना है तो या ये सीन है। थैंक यू।